शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार सुरक्षित है और मध्य प्रदेश वायरस पश्चिम राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। शिवसेना महाराष्ट्र में रकंपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस के 21 विधायकों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। शिवसेना नेता ने मराठी में ट्वीट किया, मध्य प्रदेश वायरस महाराष्ट्र में नहीं घुसेगा, महाराष्ट्र की सत्ता अलग है। 100 दिन पहले एक अभियान विफल हो गया था, महाविकास अघाड़ी ने वाजपेयी सर्जरी की और महाराष्ट्र को बचाया। बता दें, कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए पार्टी के प्रमुख युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। सिंधिया के साथ ही उनके समर्थक पार्टी के 21 विधायकों के इस्तीफे से राज्य की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि सिंधिया को राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी के महासचिव एवं पूर्ववर्ती ग्वालियर राजघराने के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।